प्रत्युषा बैनर्जी का नाम विकास गुप्ता ने लिया। बताया कि वो उनके साथ रिलेशनशिप में थे और उनके ब्रेकअप के बाद प्रत्युषा को पता चला कि उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में। लेकिन राहुल राज, जो कि प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था और उन्होंने डेफामेशन केस करने की बात भी कही। काम्या ने भी लताड़ लगाई कि विकास गुप्ता को इस तरीके से, जो इस दुनिया में नहीं है, बात नहीं करनी चाहिए थी। अब एक और बिग बॉस के कंटेस्टेंट ने बहुत बड़ी बात बोल दी है। उन्होंने विकास का नाम तो कहीं नहीं लिया, लेकिन जो उनका ट्वीट है वो इस बात की ओर इशारा करता है कि उन्होंने विकास की इन सारी चीजों को पब्लिसिटी स्टंट बताया है। मैं बात कर रही हूँ मनु पंजाबी की। मनु पंजाबी ने लिखा, बिग बॉस 15, कुछ लोग तो बिग बॉस 15 के प्लान कुक भी करने लग गए हैं। पहले जिंदा लोगों पर इल्जाम लगाया करते थे और अब तो डैश को भी नहीं बख्शा, यानी कि जो इस दुनिया में नहीं है उनको भी नहीं बख्शा। जाहिर सी बात है, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल। नाम पूछो तो जाने आप में कितना है माइंड। सबसे बेस्ट रिप्लाई वाला होगा आज का मास्टरमाइंड। तो मास्टरमाइंड किसको कहा जाता है? विकास गुप्ता को। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये कहा है कि बिग बॉस 15 में आने के लिए विकास गुप्ता ये सारी स्टोरीज प्लान कर रहा है, ये सारी चीजें कुक कर रहा है। पहले वो जिंदा लोगों पे इल्जाम लगाता था, अब तो उसने जो इस दुनिया में नहीं है, जो मर गए हैं, उनको भी नहीं छोड़ा है। तो उन्होंने पूछा लोगों से कि बताओ कौन है, और जो बताएगा वो आज का मास्टरमाइंड होगा। तो विकास गुप्ता मास्टरमाइंड के नाम से जाने जाते हैं। तो हालांकि लोगों ने जो है विकास गुप्ता का ही नाम लिखा है कमेंट में सबसे ज्यादा, तो एक बात तो तय है कि विकास गुप्ता के जो प्रत्युषा को लेकर उन्होंने कमेंट किया, वो बात जो है लोगों को रास नहीं आई। जाहिर सी बात है, जो शख्स इस दुनिया में नहीं है, जो आपकी बातों को सही गलत ठहरा ही नहीं सकता, उसके बारे में जब आप बात कर रहे हैं तो आपकी टीका तो होगी ही।